अस्सलाम वालेकुम जी, आज अल कादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल के अंदर समाअत है, जिसमें आज समाअत जो है मुलतवी होगी सोमवार तक, क्योंकि वजह यह है कि कल जो समाअत हुई थी तो हमने रिक्वेस्ट की थी अदालत से कि हफ्ते के लिए डेट रख दी जाए। डे टू डे हियरिंग आप इस तरह से चला रहे हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर सारी केसेज डे टू डे हियरिंग के ऊपर चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप आइएगा कल, दरखास्त दीजिएगा तो फिर समाअत जो है मुलतवी करेंगे। लिहाजा मंडे और हफ्ते की हमने उनको सदा की थी, तो ये मंडे को केस जाएगा। सेकंड बात यह है कि आज नैब तोशाखाना केस जो चौथा स्टार्ट किया गया है उसके अंदर रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है। एक केस में खान साहब और बीबी साहब रिहा होते हैं तो दूसरे केस के अंदर गिरफ्तारी डाल दी जाती है या दूसरा केस बना दिया जाता है फिर तीसरा बनाया जाता है, तो ये भी उसी की एक कड़ी है। झूठे केसेस हैं जिनका कोई पांव नहीं है, कोई हाथ नहीं है। आज रिमांड खत्म हो रहा है, रिमांड कंटेस्ट होगा। नंबर थ्री बात यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरखास्त दी गई थी बुशरा बीबी साहबा की, जब बरियत हुई थी तो उनको रिहा करना था, तो उस पे आपने देखा कि रिहा नहीं किया गया और नए मुकदमे में खान साहब और बुशरा बीबी साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बुशरा बीबी साहबा को वहां पर जनाब बाकायदा तौर पर धक्के मारे गए, उनकी उनको हरासा किया गया। तो उस हवाले से हम दरखास्त लेकर आए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें आज नोटिस जो है वो फरीकैन को हो गए, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल, होम डिपार्टमेंट और जो दीगर थे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आज जो है वो समाअत है, जिसमें खान साहब और बीबी साहबा की गैर कानूनी इस्तोशाखाना केस के अंदर गिरफ्तारी को हमने चैलेंज किया हुआ है। उसकी वजह यह थी कि बुशरा बीबी साहब और खान साहब ने दोनों ने प्रीवियस बेल्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो जब प्रीवियस बेल्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रीवियस बेल्स जो है वो दी जाती है एज ए मैटर ऑफ राइट, लेकिन वो नहीं दी गई और बल्कि नोटिस कर दिए गए। और आमर फारूक साहब ने 12 दरखास्तें देने के बावजूद, फिक्स करने के बावजूद जो है कभी बेंच अवेलेबल नहीं है, कभी कोई बहाने से वो काज़ कैंसिल की, तो लिहाजा वो जो गिरफ्तारी गैर कानूनी थी खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की, वो उसके ऊपर भी समाअत जो है, उस दरखास्त के ऊपर समाअत भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है। आज की ये तफसीलात हैं, मजीद जो अपडेट्स होंगी मैं आपको अपडेट करूंगा। बहुत शुक्रिया।